ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यावर्त रीजेनरेटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो, जैसा कि हमारा विषय आपने देखा होगा, आज की वीडियो होगी अर्पित द्विवेदी जी की खंडन पर, और साथ ही साथ आज हम जानेंगे मिलर उरे एक्सपेरिमेंट की वास्तविकता क्या है। तो शुरुआत करने से पूर्व, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, उन लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम अपनी वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिलर उरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यह एक्सपेरिमेंट ए बायोजेनेसिस अर्थात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ए बायोजेनेसिस क्या है। निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति को ए बायोजेनेसिस कहा जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या यह प्रयोग निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति की सफल व्याख्या कर पाता है, और क्या इससे विकासवाद सिद्ध होता है? आइए इसको पहले हम समझ लेते हैं। आप सभी ने बचपन में लूडो या स्नेक लैडर का गेम खेला ही होगा। उसमें एक डाइस होता है जिसमें 6 नंबर्स होते हैं और उसे उछाला जाता है। इसी प्रकार हमने कार्ड्स अर्थात ताश का खेल भी देखा होगा, जिसमें कि 1 से 10 तक अंक, जे कार्ड, क्यू कार्ड, एस कार्ड और किंग कार्ड होते हैं, और ये सेट्स ऑफ कार्ड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इन सेटों का हार्ट, टाइल्स, क्लोवर्स, पाइक्स नाम से जाने जाते हैं। तो जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है उसको जब उछालते हैं तो उसमें एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? आप जानते होंगे कि 6 बार उछालने पर हम मान लेते हैं कि 1 बार एक अंक आएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि 6 बार डाइस उड़ाने पर 1 बार एक अंक आएगा, अर्थात एक अंक आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से 1 है। अब इसकी जगह पे हम प्लेइंग कार्ड्स को लेते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स में 10 ऑफ हार्ट्स आने की संभावना कितनी है, अर्थात 52 बार हम कार्ड्स को शफल करें तो 52 में से एक संभावना ऐसा आएगा जहां पर हमें 10 ऑफ हार्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, आइए इस गेम को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो सबसे सरल 1 रुपये का सिक्का है जिसमें 2 पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। अब हेड्स आने की संभावना कितनी है, 2 में से 1। सेम थिंग टेल्स में, अर्थात प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/2 का रेशियो, और डाइस में हमारी क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1/6, तथा प्लेइंग कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, 1/52। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक सेट ऑफ कार्ड्स को ले आए हैं, तो जो सेट ऑफ कार्ड्स है वो क्रम से लगे होते हैं, जब आप लेकिन उसको खेलते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, ये याद रखें। आप एक बॉक्स इमेजिन करिए जो कि एक ट्रेन में रखा गया है, अर्थात एक चलती हुई ट्रेन में एक बॉक्स रखा है और उस बॉक्स के अंदर 52 कार्ड्स रखे हुए हैं जो कि एकदम उलट फुलट, जिसका कोई क्रम नहीं है, यानी रैंडमली रखे गए हैं, उनमें कोई क्रम नहीं है। अब क्या हुआ कि ट्रेन चलने लगी और ट्रेन तेज़ी से मूव कर रही है, जिससे कि बॉक्स के अंदर के जो पत्ते थे वो शफल होने लगे, यहाँ से उलट फुलट होने लगे। अब विचार कीजिए कि हम 1 वर्ष तक ट्रेन को इसी प्रकार से मूव करवाते हैं और ये बॉक्स के अंदर का जो शफलिंग है ये भी चलता रहता है। ट्रेन में जो प्लेइंग कार्ड्स का बॉक्स है उसके अंदर पत्ते कितनी बार पलटे ये हमें नहीं पता है। हर बार ट्रेन चलने और रुकने के क्रम से पत्तों का जो क्रम है वो बदलता रहता है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप बताइए कितने वर्ष लगेंगे पत्तों को एकदम ठीक क्रम में लगने में, अर्थात जैसा शुरू में हमें नवीन कार्ड्स मिले थे एकदम क्रम से सेट, वैसे क्रम में लगने में उसको कितना टाइम लगेगा यदि हम इस एग्जांपल में रैंडमली देखें तो? प्रश्न बहुत जटिल लग रहा होगा, तो ठीक है, ये प्रश्नों को याद रखिए, आगे बहुत काम आएगा। अब हम मिलर उरे एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 1952 के समकालीन हुआ था, जिसको कि नोबेल पुरस्कार विजेता होरोल्ड उरे की छत्रछाया में
स्टैनली मिलर ने किया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को उत्पन्न किया, अर्थात ऐसा माहौल उत्पन्न किया जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी है, या फिर कहें कि जो जीवन की उत्पत्ति के समय माना जाता है। उन्होंने ग्लास ट्यूब्स के कुछ अरेंजमेंट किए, जैसा कि आपको पिक्चरल डायग्राम में दिख रहा होगा, जिसमें उन्होंने मीथेन CH4, एमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन डाले और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को लगा के स्पार्क को उत्पन्न किया। इस सारे मिक्सचर को उन्होंने प्रीमोडियल सूप की संज्ञा दिया, अर्थात प्राथमिक जीवन द्रव्य। प्रयोग करने पर उन्होंने 5 एमिनो एसिड्स प्राप्त किए, एलानाइन, ग्लूटामिक एक्सेट्रा। 1995 में यह एक्सपेरिमेंट पुनः दोहराया गया, जिसमें कहा गया कि इसमें 2 आरएनए बेस भी मिले हैं जो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। तत्पश्चात 2008 में उस बंद ग्लास ट्यूब्स में जांच पड़ताल किया, जिसे मिलर और उरे ने सुरक्षित छोड़ रखा था। इनमें 22-23 एमिनो एसिड्स मिले, स्क्रीन पे आपको वो शो हो रहे होंगे, और नासा की साइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और इन एमिनो एसिड्स के प्राप्त होने पर यह कहा गया कि यह जीवन का आरंभ है। अब हम जीवन को थोड़ा समझते हैं। लाइफ क्या है, इसको साइंस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, और न ही वो फुल क्लियर कट कुछ बता पाया है। तो उसको हम सरल रूप में जो साइंस मानता है उसको समझाते हैं। सभी जितने भी जीवधारी पृथ्वी पर है, उनके जीवन का मुख्य अंग प्रोटीन है। प्रोटीन एक जटिल आण्विक रचना है जो एमिनो एसिड्स द्वारा बनी होती है। जैसे एक बड़ा भवन बनाने में ईंटों की जो भूमिका होती है, वही प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड्स की भूमिका होती है। और एमिनो एसिड्स दिशा युक्त अणु होते हैं, इसको हम क्राइल अणु कहते हैं। इस सिद्धांत को हम कायरलिटिक से पढ़ते हैं। तो एमिनो एसिड्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, पहला है लेफ्ट एमिनो एसिड एंड दूसरा है राइट एमिनो एसिड, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस की तरह होते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप हम दोनों हाथ अपने फिंगर्स को खोल लें, तो जो अंगूठी की जो डायरेक्शन है वो H2 होगा, और जो अनामिका उंगली है उसकी जो दिशा है उसमें 4 अणु होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, जिसमें COH, RH, R, OH आदि अणु होंगे। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस की तरह होते हैं, पर लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट ऐसा नहीं कर सकते हम। इस पर जो ये डायग्राम है, इसमें 2 ब्रोमोब्यूटेंस का इमेज भी है, और देखिए साइड में आपको कायरलिटी का इमेज भी दिख रहा होगा, ये आप डायग्राम से समझ सकते हो। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि अर्थ पे जितने भी जीव मिलते हैं, उनमें से केवल जो ब्रू ग्रीन एल्गे है वही ऐसा जीव है जिसमें राइट हैंड वाला एमिनो एसिड्स मिलता है। बाकी के जितने भी जीव है उसमें लेफ्ट हैंड वाले एमिनो एसिड्स मिलते हैं। अब लेफ्ट हैंड वाले जो एमिनो एसिड्स है और राइट हैंड वाले, इन दोनों को एक साथ हमें कभी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए विष का काम करते हैं। और यदि राइट मिल गया लेफ्ट से, तो प्रोटीन कभी भी नहीं बना सकते, और प्रोटीन नहीं बना तो लाइफ का चांसेस एकदम कम हो जाता है। ये बात बहुत याद रखने वाली है, इसलिए आगे हम इसको बहुत चर्चा में लाने वाले हैं। तो इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी विज्ञापन में लिखा है कि लड़की की शादी करें तब जब वो 18 ईयर्स की हो। यदि हम 1 और 8 का क्रम बदल दें और आंकड़ा बन जाएगा 81, तो क्या उसका जो मैरिज है वो सार्थक हो पाएगा? क्या उसका कोई लाभ निकल सकेगा? क्या इसमें कोई अर्थ या प्रयोजन सिद्ध होगा? जो यहाँ नहीं होगा, तो अब प्रोटीन निर्माण में भी क्रम का बहुत महत्व है, उसी की बात यहाँ चल रही है। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड्स में लेफ्ट राइट का मिश्रण नहीं होना चाहिए, और मेनली केवल लेफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया 18 और 81 में जो अंतर है, जो ज़मीन आसमान का अंतर है उसके लिए, अर्थात ये दोनों नंबर जो है वो एक ही से बने हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनका क्रम तोड़ते ही इसका अर्थ पूरा चेंज हो जाता है, दोनों को हम एक नहीं मान सकते। वैसे ही राइट और लेफ्ट में इतना डिफरेंस है। और सेकंड जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इनका जो क्रम है वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उससे वो प्रोटीन बन जाए। क्रम में थोड़ा भी बदलाव होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख का चेक दिया और उसका क्रम गलत कर दिया, 0 पहले लिख दिया और एंड में 1 लिख दिया, तो क्या आपके खाते में 1 लाख की राशि पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। इसीलिए क्रम का बहुत महत्व है। नास्तिक लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन क्रम बुद्धिमानों के लिए बहुत महत्व रखता है, जिसके बिना कोई सिद्धि नहीं होती। उसी प्रकार प्रोटीन में भी बड़े बड़े एमिनो एसिड्स के चेन्स जो बनती है, तो मनुष्यों में जो सबसे बड़ा प्रोटीन
टाइटन है, उसमें लगभग 34,350 एमिनो एसिड्स की चेन होती है। इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से पढ़ सकते हैं, वो एक PDF है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। तो अब इस विषय को हम यहीं पर छोड़कर अब हम हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में मिलते हैं उस प्रोटीन्स पर चर्चा आरंभ करते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या है कि सिर्फ 574 एमिनो एसिड्स मिलते हैं और वो भी एक स्पेशल चेन से बनती है। तो इसमें प्योरली देखा जाए तो 100% प्योर होना चाहिए, अर्थात चेन में एमिनो एसिड का क्रम परफेक्ट होना चाहिए। यदि वो बिगड़ गया तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो कभी बनेगा ही नहीं। इसके लिए एक एग्जांपल है कि आपने एक रोग सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप पढ़ लीजिए। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे परिवारों में ये परंपरा से चला आ रहा था। तो इसमें जीवन के सामान्य क्रिया वाले जो सेल्स ये क्रियाएं होती हैं उसमें दिक्कत होने लगती है। इसमें जो हमारा RBC जो होता है वो गोल आकार का होता है, तो सिकल सेल की बीमारी से वो अर्धचंद्राकार के आकार में बदल जाता है, यानी कि बाइकॉनकेव। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उसके अंदर चेंजेस में फ़र्क आता है। तो अब जो ये रोग है वो देखते हैं कि क्यों होता है। तो इसका कारण तो ये है कि जो हीमोग्लोबिन में बीटा चेन होता है तो उसमें जो सिक्स्थ वाला एमिनो एसिड है, जो ग्लूटामिक नाम का एमिनो एसिड, उसकी जगह क्या होता है, वेलिन चला जाता है, वेलिन नाम का एसिड। तो हम वही तो बता रहे हैं कि एक जाके सिक्वेंस चेंज हो गया तो इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो इसके कारण ये वाला प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 574 एमिनो एसिड्स जो कि हीमोग्लोबिन बनने में कारण है, उसमें सिर्फ एक में परिवर्तन आने से इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो सोचिए, एक से ज़्यादा अगर परिवर्तन आ गया तो जीवन की संभावना कैसे बनेगी, और जीवन का विकास तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं ना दर्शकों? अब जो हमने पूर्व में दो उदाहरण दिए थे, ताश के पत्ते वाले और एमिनो एसिड्स का जो क्रम है उसको ध्यान में रखिए। तो अब मिलर उरे एक्सपेरिमेंट पे अगर हम बात करेंगे तो हम इसका निर्णय कैसे करेंगे कि जीवोत्पत्ति के आरंभ में ऐसा ही माहौल था, फिर भी हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे अभी, तो जैसा ये लोग मानते हैं वैसे ही मानकर अभी आगे चर्चा करेंगे। मान लेते हैं अभ्युपगम सिद्धांत से कि ऐसा ही माहौल रहा होगा। तो मिलर उरे एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जो इस एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड्स बने वो राइट एंड लेफ्ट हैंडेड दोनों का मिश्रण था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो राइट एंड लेफ्ट एमिनो एसिड्स का मिश्रण था। ये फैक्ट आपको कोई नहीं बता रहा है, हम सबको एक झूठ पाठ्यक्रम से पढ़ाया जा रहा है, और हमने पहले ही बता दिया था कि लेफ्ट और राइट हैंडेड एमिनो एसिड्स अगर मिल जाएंगे, उनका मिश्रण होगा, तो वो कोई भी प्रोटीन नहीं बना पाएंगे और जीवन या लाइफ की संभावना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि ये मिश्रण बहुत हानिकारक और विषयुक्त काम करेंगे। तो प्रोटीन बनाने के हमको केवल लेफ्ट वाले चाहिए। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है कि जो जीवधारी थे वो लेफ्ट हैंडेड से ही बने। तो उन्होंने ये भी बोला कि जो जीवन की शुरुआत हुई थी तो बाहरी अंतरिक्ष से जो पृथ्वी पर एमिनो एसिड्स आए वो प्रायः लेफ्ट हैंडेड वाले थे, राइट हैंडेड वाला तो था ही नहीं। पर ये बात तो एकदम रॉन्ग था कि जो मिलर उरे का एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें मिली थी जो हमेशा हमसे छुपाया जाता आ रहा है, कि उस मिश्रण में दोनों तरीके के राइट एंड लेफ्ट एमिनो एसिड मिले थे, और ये बात प्रयोग के संक्षिप्त व्याख्या में हमसे छिपा दी जाती है, जिसको कि केवल विस्तार से पढ़ने पर ही हम जान सकते हैं। और सोचिए, ये कितना लोगों को ठग रहे हैं लोग, ये वामपंथी जो हमारे पाठ्यक्रम में मिला कर सारे के सारे बच्चों को नास्तिक बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी भी हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू दे रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो में हम विस्तार वैसे नहीं बता पा रहे। और क्योंकि ये तथ्य बताने पर मिलर उरे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, इसी कारण ये हमसे पाठ्यक्रम में छिपा दिया जाता है। और सुनिए, दूसरी बात तो ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे रसायन भी मिलते हैं जो कि एमिनो एसिड्स के लिए ही घातक थे, तो इसीलिए मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में एमिनो एसिड्स बनाने पर तेज़ी से अलग कर दिया। इस चीज़ को भी इन लोगों ने हमसे छिपा कर रखा। तो इसके बाद जो भी वैज्ञानिक समूह ने प्रयोग किया था, जिसका कि विस्तृत विवेचन हमें भी नहीं मिलता है, किंतु उनका कहना यह था कि जो यूनिडायरेक्शनल लाइट और विशेष मिश्रण के प्रयोग से सारे के सारे लेफ्ट हैंड वाले एमिनो एसिड को उत्पन्न किया और उसमें कोई भी राइट हैंड वाला नहीं था, ऐसा ये लोग कहते हैं।
तो ये जानकारी हमें मिली। फिर भी हम मान लेते हैं कि सभी के सभी आपको लेफ्ट हैंड वाली अमीनो एसिड मिले और कोई भी घातक रसायन इस प्रयोग में नहीं था, ये भी मान लेते हैं। और इतना स्वीकार करने के बाद भी एक क्वेश्चन पर बात अटक जाती है कि नॉन लिविंग से लिविंग में जो इनका सिद्धांत है वो कैसे आया और ये कैसे पॉसिबल है। तो इसी पर अब हम विचार करेंगे। तो आपको जैसे पहले ताश के पत्ते वाला रेल में एक डिब्बे के अंदर जो हमने प्रयोग पहले उदाहरण दिया था वो तो आपको पता ही होगा। तो हमने ये बताया था कि कितने भी दिन ले लीजिए, वर्ष ले लीजिए या कितना भी समय ले लीजिए, वो डिब्बे के अंदर जो ताश के पत्ते थे वो रैंडमली कभी भी सही क्रम से नहीं अरेंज होते और ना ही कभी देखे जा सकते हैं। और हमने ये उदाहरण इसीलिए दिया था कि हीमोग्लोबिन में जो अल्फा और बीटा की चेन होती और उसके उदाहरण में जो चार चार की चेन है, तो जैसे ट्रेन में रखे हुए पत्ते सही क्रम से नहीं लग पाते, इसी को अलग एग्जांपल से समझे तो एक छोटा बच्चा भी उन पत्तों को क्रम से लगा सकता है, पर ट्रेन में ये बात पॉसिबल नहीं है, ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इन सारे उदाहरणों को देखा जाए तो हमको ये पता लगता है कि यदि कोई चेतन सत्ता क्रम से अगर लगाए तभी ये सिक्वेंस सही बैठेगा, बिना करने से रैंडमली ये नहीं होता है, न ही कोई प्रैक्टिकली सिद्ध करके दिखा सकता है। जो इवोल्यूशनिस्ट दावा करते कि सब कुछ रैंडमली बन गया, तो वे कभी ये सब देखने में प्रैक्टिकली सिद्ध कर सकते हैं कि ताश के पत्ते क्रम से लग जाएंगे रैंडमली? जब वहाँ नहीं लगते तो यहाँ भी नहीं होगा। अपने आप तो कभी भी क्रम नहीं बनेगा, चाहे कितना भी हिला डुला लें। तो किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए हमें तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं मिट्टी का घड़ा, तो उसमें भी तीन चीज़ हमें चाहिए रहती है, निर्माण की सामग्री, दूसरा निर्माण करने वाला और तीसरा उसकी सूचना यानी जो ज्ञान वो नॉलेज जिससे कि घड़ा बनाया जाएगा। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा तो हम घड़ा बनाएंगे कैसे? तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन बनाने का जो क्रम है वो कितना मुश्किल और असंभव है। तो जैसा कि हमने पीछे उदाहरण देखा, वो तो सिर्फ 52 कार्ड्स 6 नंबर्स डाइस के थे, वो भी लगन पाना कितना कठिन हमको लग रहा था, कितना असंभव लग रहा था। तो सोचिए जैसे ही ये क्रम और नंबर बढ़ती जाती है तब कितना यह असंभव होगा कि हज़ार या लाख में से एक, फिर उसके बाद एक, और उनमें से ढूंढ ढूंढ के एक एक लगाना, ये तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। ऐसी ऐसी कल्पना ये लोग बिना कर्ता के कैसे मान लेते हैं? क्या रैंडम सिलेक्शन के लिए ऐसे ऐसे कुतर्क दिया जाएगा कि कर्ता को अस्वीकार करने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी खेल को हम मैथमेटिकली दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। ये गणना प्रोटीन निर्माण की जटिलता को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है और ईश्वर को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो एक गेहूं का दाना लीजिए, उसको ब्लू कलर कर दीजिए। उस गेहूं के दाने को हम 50 किलो के बैग में डाल देते हैं। अब 50 किलो में कितने गेहूं के दाने होते होंगे? एक मोटा अनुमान लगाए तो 1 ग्राम में दानों की संख्या 20 मान लेते हैं, तो 1 किलो में कितने होंगे? 20,000। फिर इसी तरह 50 किलो में 10 लैक्स अर्थात 10 लाख दाने होंगे। इस पॉइंट को याद रखिए। अब देखिए, इमेजिन करिए कि एक अनाज मंडी में ऐसे कितने बैग्स होंगे। अनुमान से देखें तो एक बड़ी मंडी में लगभग 10 लाख बैग हो सकते हैं। अतः उस पूरी अनाज मंडी में गेहूं के दानों की कुल संख्या 1 ट्रिलियन हो गया अर्थात 1 मिलियन मिलियन हो गया। अब भारत में तो ऐसी बड़ी बड़ी मंडियां औसतन 1,000 होंगी, तो इन बड़ी बड़ी मंडियों की भी गणना अगर इसमें जोड़ दें तो इसकी संख्या बनती है 1 क्वाड्रिलियन। तो इन सबको हम एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और अब हम उस पहले वाले ब्लू कलर की जो गेहूं का दाना था उसको इसमें खोजने की प्रयास करेंगे। तो अब हम बड़ी बड़ी मशीन, बहुत टेक्निकल मशीन से भी गेहूं को क्यों ना उछालें तो भी उस ब्लू कलर्ड गेहूं को ढूंढ निकालना कितना असंभव लगता है कि वह उसमें से ब्लू कलर की गेहूं के दाने को छाट सके और बाहर निकाल सके। ये आपको बहुत मुश्किल लग रहा है ना? ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। आपको हीमोग्लोबिन में 574 जो एमिनो एसिड्स का चेन है उससे जाकर एक खाली हो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनता है और क्रम बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और तो और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक उसके अंदर की गलती से इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है, इस क्रम में एमिनो एसिड की कितनी संभावनाएं हैं क्रम बनाने में, इसकी गणना हमने कंप्यूटर द्वारा की जो 747 की संख्या में प्राप्त हुई। ये 747 की संख्या हमने कैसे निकाली, आइए इसको एक डायग्राम से जानते हैं।
अब 747 संभावनाएं हैं जिससे हम प्रोटीन हीमोग्लोबिन बना सकते हैं, और जब हम 16 अंकों की संख्या में उलझ जाते हैं तो हम ये विचार ही कैसे कर सकते हैं कि 747 संभावना में हम इस केसेस को एकदम सही बना देंगे, एकदम सिक्वेंशियली। इसे ही हम समझते हैं कि हमारे पास एक सिक्का है 1 रुपए का, उसे हम एक तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 सिक्के 1 रुपए और 2 रुपए के हैं, जिसे हम 1, 2 या 2, 1 के क्रम में 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरह 3 सिक्के होने पर हम 6 तरह से प्रोबेबिलिटीज कर सकते हैं, और 4 सिक्के होने पर कुल 24 तरह से रख सकते हैं। इसी तरह एमिनो एसिड की व्यवस्था 747 अंकों की प्राप्त होती है। जब हम ताश के पत्तों और गेहूं के दानों को स्वतः न सुलझा पाए तो 747 अंकों की संख्या कैसे स्वतः सुलझाना मान सकते हैं। तो अंत में क्या कंक्लूजन आया कि अगर हमने इनकी सारी की सारी बातें मान ली और लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड को प्राप्त होना इनका मान भी ले, तो भी जब तक निर्माणकर्ता और सूचना ना हो यानी नॉलेज ना हो, तब तक उससे प्रोटीन नहीं बनेगा यही मानना उचित है। रैंडमली से तो ये होना असंभव है और ये एकदम अतार्किक बात है, क्यों इसका हमने कई सारे उदाहरण दे करके खंडन कर दिया है। और ध्यान रहे कि ये एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन की बात है, इसी तरह शरीर में अनेकों जटिल प्रोटीन होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत भिन्न भिन्न है। तो ये केवल तभी संभव है जब तक ईश्वर निर्माण करे, अन्यथा तो कभी भी यह संभव नहीं हो सकता। ये सारी की सारी चेन सीक्वेंस में तभी लगेगी जब रैंडमली नहीं कोई बुद्धिमान करता इसको ठीक से अरेंज करे। और ये तो तब होता जब मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड्स मिलते, जबकि वास्तविकता ये है कि उसमें मिश्रण मिला था लेफ्ट एंड राइट हैंडेड एमिनो एसिड्स की। और हमारे पाठ्यक्रम में ये झूठ पढ़ाया जा रहा है कि मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में लाइफ फॉर्म हो गई। अब हम चर्चा करते हैं अर्पित द्विवेदी जी के ऊपर। अब सुनिए अर्पित द्विवेदी यहाँ पे क्या कह रहा है। दूसरी बात, इस दौर में जो एंशिएंट नॉलेज है यानी पूर्वजों का जो ज्ञान है उसको बहुत महत्व दिया जाता था और उसको फैक्ट के रूप में एक्सेप्ट भी किया जाता था। इवन आज भी जो भारतीय परंपराएं हैं उनमें श्रुति को बहुत महत्व दिया जाता है और श्रुति को एक अकाट्य प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता है। जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वे सभी वेदों को प्रमाण मानते हैं। वैदिक परंपरा में जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता उसी को नास्तिक कहा जाता है। तो देखा, यहाँ पर अर्पित द्विवेदी जी कह रहे हैं वेद जो है वो परम प्रमाण है। ये बात ठीक है कि वेद को मनु महाराज इत्यादि ऋषियों ने परम प्रमाण माना है और मानना भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सब विद्याओं का मूल है। वेद ही अखिल धर्म का मूल है, समस्त धर्मों का मूल वेद है। इस वजह से वेद ही परम प्रमाण है। और धर्म क्या है? जो जो चीज़ धारण करने योग्य है, जो मनुष्यों के लिए हितकर है, जो सबका सुख जिसमें निहित है और जिसके होने से मनुष्य उन्नति को प्राप्त होता है और उसमें उत्तम उत्तम गुणकर्म स्वभाव का निर्माण जिस शिक्षा के कारण होता है, वह वेद में है। इसलिए वेद परम प्रमाण है, इसलिए सारे के सारे ऋषियों ने वेद को परम प्रमाण माना है। इसी कारण से उसमें से देख करके लोक में नियम बनाए जाते हैं। वेद अपौरुषेय क्यों है, इसके लिए आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। बिना पुस्तक पढ़े तो आपको कोई ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। वही सबसे प्राचीन है और उसी के द्वारा मनुष्यों को आदि सृष्टि में शिक्षण प्राप्त हुआ, इसलिए वेद को शब्द प्रमाण कहा जा सकता है। लेकिन इनको इतना नहीं पता कि न्याय दर्शन में केवल एक प्रमाण मान्य नहीं किया गया। न्याय दर्शन में सबसे ज़्यादा बलि अगर किसी प्रमाण को माना है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। तो आप जो ये कहते हैं कि शब्द प्रमाण के आगे कोई भी प्रमाण टिकता नहीं है, ये बात आपकी एकदम भ्रांतिपूर्ण है और गलत फहमी है। जब भी कोई प्रमाण दूसरे प्रमाण को काटता है तो वहाँ पर शब्द प्रमाण भी निर्बल हो जाता है। ये हमारे गौतम ऋषि हमको सिखाते हैं। तो आप ये लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। अब रही बात वेदों पर तर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम आपको वेद से ही प्रमाण देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वेदार्थ में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आप वेदों पर तर्क कर सकते हैं। वेदों के अर्थ को जानने के लिए तर्क वितर्क और मनन चिंतन तथा ऋषि महर्षियों के कथन को प्रमाण मानकर उसके सही अर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही अर्थ यहाँ पर आया है।
वेदों में केवल अदृष्ट फल का जहाँ जहाँ ज्ञान वर्णन किया गया है केवल उसी पर हम तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी परीक्षण इस जन्म में नहीं हो सकती और वह अनुमान से भी सिद्ध हो जाता है, इस वजह से वो पूर्ण प्रमाणिक है। तो ये हुआ आपके भ्रांति का समाधान। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं। अब देखिए अर्पित द्विवेदी जी के द्वारा 13 अप्रैल 2019 अपलोड किए गए वीडियो में वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी के पाश्चात्यों के सिद्धांतों पर जो आक्षेप किए गए थे उस पर इन्होंने समाधान न करते हुए बड़े ही मूर्खतापूर्ण ढंग से हास्यास्पद उत्तर दिए हैं। या हम आचार्य नैष्टिक जी के ऊपर विस्तार से नहीं बता पाएंगे, उसके लिए उनकी रिसर्च वेद विज्ञान आलोक के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। तो आचार्य नैष्टिक जी ने अपनी उक्त वीडियो में समस्त पाश्चात्य मत और सिद्धांतों को समझा रहे थे, किंतु इन्होंने चेरी पिकिंग करके कहीं का रोड़ा कहीं पर जोड़कर इन्होंने लिपापोती करके ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जो पाश्चात्य मत है इवोल्यूशन जो है उसको सिद्ध कर दिया, किंतु हम ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ सटीक उत्तर नहीं दिया। अब आइए हम इनकी वीडियो में इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उन सब की समीक्षा आरंभ करते हैं। अर्पित द्विवेदी जी के इस उक्त वीडियो में इन्होंने जो बातें रखी है उसको देख करके ये पता चलता है कि इनको इवोल्यूशन का सिद्धांत ही ठीक से नहीं पता है। इन्होंने बहुत सारी बातों को वीडियो में जानबूझकर छुपाया है, वो क्या क्या है हम अभी बताने वाले हैं। इवोल्यूशन के सिद्धांत में फर्स्ट तो आता है ए बायोजेनेसिस, जिसे कि हम साधारणतः मिलर उरे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसको कि अभी हमने पूरी विस्तार से समझा और हमने ये जाना कि कितनी सारी बातें हमसे छिपाई गई और क्या मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में लाइफ को सिद्ध किया गया है और क्या ईश्वर के बिना ये लाइफ रैंडमली प्रकृति बना सकती है, ये सब हमने जाना। तो ये लोग क्या कहते हैं मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड्स के द्वारा वह प्रोटीन हो करके लाइफ फॉर्म हो गई, और ये लोग ये दावा करते हैं ए बायोजेनेसिस के द्वारा निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति इन लोगों ने सिद्ध कर दी है। तो जैसा कि अभी तक की वीडियो में हमने आपको बताया कि मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में एक बात बहुत बड़ी जो है छिपा दी गई, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में दोनों टाइप के अमीनो एसिड्स बने थे जिससे कि प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है, केवल लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड और राइट हैंडेड शुगर के मिलने से ही जीवन फॉर्म होता है। अब अर्पित जी ने वीडियो में वो सारी चीज़ बताए जो जो प्रकृति में देखे जा रहे हैं, जैसे उन्होंने एक बीटल हंटिंग का एग्जाम्पल और उसका जो वर्ण है उसका रंग बदल करके छिप जाना जिससे कि उसकी स्पीशीज में आगे बढ़ोतरी होती है। तो इनकी वीडियो भ्रांतिपूर्ण इसलिए कही जा रही है, इन्होंने क्या होता है ये तो बता दिया लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की परिभाषा नहीं बताई, क्योंकि ये लोग इसमें लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जैसे कोई पूछे राम कहाँ रहता है तो ये कहते हैं श्याम के घर के सामने, और श्याम कहाँ रहता है तो राम के घर के सामने। ऐसे ही अंधी आस्था में अपने आस्था मुक्ति चैनल वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन की ठीक ठीक परिभाषा जिसको कि कहीं भी सब्स्टिट्यूट करके आपको एक साइंटिफिक रिजल्ट या उत्तर तक आप पहुँच सके ये बताने में सारे इवोल्यूशनिस्ट कदम पीछे कर लेते हैं। हर चीज़ को रैंडम सिलेक्शन कह देना, और साइंस तो मेजरली प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है ना, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ तक तार्किक है ये हमारे दर्शक भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि जिसका भी अनेकांतिक सिद्धांत ना हो और साइंटिफिक डेटा उपलब्ध हो तभी जाकर उस पर सब लोगों की मत या कहें सबको उस मत को सत्य मान लेना चाहिए। लेकिन इन लोगों का जो मत है वो एक नास्तिकता की ओर ले जाने वाला मत है। नेचुरल सिलेक्शन का क्या कारण है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का क्या कारण है नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे ही ये लोग साइकिल में घुमा रहे हैं, क्योंकि राम कहाँ रहता है श्याम के घर के सामने, और श्याम कहाँ रहता है राम के घर के सामने, फिर पूछा दोनों कहाँ रहते हैं आमने सामने, ये कोई उत्तर थोड़ी ना हुआ। तो इसी को आज हम वर्ड सैलेड या लिपापोती नाम से जानते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन कितना तार्किक है और डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी कितनी सत्य है, इसके लिए आप हमारी वीडियो क्या हमारे पूर्वज बंदर थे उसको पूर्ण रूप से एक बार अवश्य आप देख लीजिएगा। ये वीडियो के ख़त्म होते ही मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अर्पित द्विवेदी जी ने अपनी वीडियो में नेचुरल सिलेक्शन समझाने के लिए जो बीटल इंसेक्ट्स का उदाहरण दिया था
तो उससे ये सिद्ध नहीं होता कि कोई एक जाति का स्पीशीज दूसरे जाति में इवॉल्व हो जाता है। उसके वर्ण में आए थोड़े से रंग आदि जो भेद है, उससे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उससे ये सिद्ध होता है कि जो स्पीशीज है वो ख़त्म जरूर हो सकते हैं, लुप्त जरूर हो सकते हैं, लेकिन नई स्पीशीज को इवॉल्व कर सकते हैं या फिर नई स्पीशीज में परिवर्तित हो जाते हैं या पूरा अपना जाति चेंज कर सकते हैं, ये कहीं भी सिद्ध नहीं होता है। लाइक अगर लीफ पर बैठा ग्रीन बीटल उसको नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइव करवा देता है और अन्यों को खा जाता है, तो उससे भी कोई नई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, ये सिद्ध नहीं होता है। प्राणी लोग जीवित रहने के लिए जो प्रयत्न आदि करते हैं और जो उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है नेचर का, उसको आप जीन के लेवल में आने वाला चेंज नहीं कह सकते हो, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन किसी जीव को इवॉल्व नहीं करवाता है। अब इन्होंने बंदर की पूंछ लुप्त होने में क्या तर्क दिया है, उसको एक क्लिप के द्वारा सुनते हैं। जिनमें से एक प्रमुख कारण है मानव पूर्वजों का दो पैरों पर चलना शुरू करना। जिस दौर में मानव पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना शुरू किया होगा, पूंछ निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा रही होगी, क्योंकि ऐसे में यह जमीन पर घिसकती रहती होगी। तो ऐसे में वो म्यूटेशन जिनकी वजह से किसी इंडिविजुअल की पूंछ कुछ छोटी या लुप्त हो गई होगी, उसने उसे एक बड़ा एडवांटेज दिया होगा। तो आपने सुना अर्पित द्विवेदी जी ने यहाँ पे क्या तर्क दिया है। मैं उस पर उनको ये उत्तर देना चाहूँगा कि भाई तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अर्पित द्विवेदी सच में साइंस का स्टूडेंट है। ये कह रहे हैं कि जो प्राचीन बंदर थे उन्होंने जब अपने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया तो उनकी पूंछ जमीन पर खिसक रही थी, इसलिए वो लुप्त हो गई। भाई वीडियो बनाने से पहले कुछ तो विचार कर लेते कि ये सब क्या बोल रहे हो। मतलब आप वो 6 टिश्यूज और 6 टाइप की जीन्स को बस एक इस कुतर्क से आप खंडन कर रहे हो कि पूंछ जमीन पे खिसक रही थी इस वजह से वो लुप्त हो गई म्यूटेशन के थ्रू। थोड़ा तो विचार करते कि आपने कैंगारू को देखा होगा, वो भी दो पैरों पर चलता और उसकी पूंछ भी लंबी होती है, और उसकी पूंछ इतनी वेल डेवलप्ड है, इतनी स्ट्रेंथफुल और स्ट्रांग है कि वह अपने पूरे शरीर का भार उस पूंछ पर टिका सकता है। हमारा प्रश्न भी यही है, जब बंदर से मनुष्य में फॉर्म होने के लिए आप कहते हैं कि पूंछ का लुप्त होना ज़रूरी है, तो हम डार्विन के ही सिद्धांत से उसका ये खंडन कर रहे हैं कि पूंछ मनुष्यों को और भी डेवलप्ड लेवल की मिलने चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इफ़ेक्ट ऑफ यूज़। और आपके जो कुतर्क आपने दिया है वो कैंगारू के एग्जाम्पल से खंडन हो जाता है। इनकी चालाकी देखिए कि 23 मिनट पर ये कह रहे हैं कि बंदर की पूंछ इसलिए लुप्त हो गई कि जब वे दो पैरों पर चल रहे थे तो उनकी पूंछ जो है वो ज़मीन पर घिस रही थी। इनके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि वो पूंछ नीचे ही घिस रही थी? आज आप बहुत सारे क्रिएचर्स को देखेंगे जो ज़मीन पर चलते हैं लेकिन उनकी पूंछ घिसने के बावजूद वो लुप्त नहीं होती। अब यहाँ इसकी एक और गप देखिए, पूंछ के लुप्त होने का कारण ये नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे बता रहा है, जबकि जीन लेवल की इवोल्यूशन केवल म्यूटेशन से होता है। इससे ये बात पूरा कंफर्म हो गया, इसको साइंस का कुछ भी नॉलेज नहीं है। म्यूटेशन होने के लिए जो 6 टाइप के जीन्स, इतने सारे वेराइटी ऑफ जीन्स चुन कर लुप्त होना, क्या आप लोग यहाँ पर कोई चमत्कार आदि मानते हैं? आपकी जो ये कल्पना है उसे तो एक बच्चा भी नहीं मानेगा। आप जब तक सटीक उत्तर नहीं देते हैं, सटीक कारण नहीं बताते हैं, तब तक आपकी बात को प्रमाणिक कैसे मान लिया जाए? पता है इन्होंने लैमार्क के सिद्धांत को ही डार्विन का सिद्धांत समझ लिया है, क्योंकि पहले जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनसे भी कुछ ऐसा ही जाहिर होता है। लैमार्क का सिद्धांत हमारी कोर्स की किताबों में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन एक गलत सिद्धांत के तौर पर। लैमार्क एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के विकास का एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि जीवों का विकास उनकी एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक यानी उपार्जित विशेषताओं से होता है। एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक यानी वो शारीरिक क्षमताएं जो कोई जीव किसी एनवायरनमेंट में खुद को बचाए रखने के लिए विकसित करता है। उनका मानना था कि जीवों के भीतर एक वाइटल फोर्स होती है जो जीवन के संघर्ष के दौरान नई और उपयोगी शारीरिक क्षमताओं को पैदा करती है, और यही शारीरिक क्षमताएं फिर आगे चलकर आगे के वंशों में चली जाती है। उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में जिराफ का उदाहरण दिया था। उनका कहना था कि पहले जिराफ की गर्दन
हिरण और घोड़ों जैसी ही छोटी थी, लेकिन घास की कमी होने के कारण उनके पूर्वजों को ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लिहाजा उनके पूर्वजों की गर्दन लंबी होती चली गई और इस तरह वर्तमान जिराफ की नस्ल पैदा हुई। लेकिन आज हम जानते हैं कि लेमार की थ्योरी गलत है। वाह, क्या उत्तर है! अर्पित ने जिराफ की गर्दन बड़ी कैसे हो ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि इफेक्ट ऑफ यूज कुछ भी दिखाते तो इनका वहाँ खंडन हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर यही कहते चलते बने। हर चीज़ को आपने नेचुरल सिलेक्शन के नाम दे करके ऐसा समझ रहे हो कि सभी इंटेलेक्ट लोगों को आप बेवकूफ़ बना लोगे, जबकि उसके पीछे की जो संरचनाएं, जो चेंजेस उसके अंदर जो ज़रूरत है, उसके होने में जो इम्पॉसिबल इवेंट्स आ रहे हैं उसको कौन बताएगा। आपने लाभदायक म्यूटेशन तो ज़रूर बता दिया, आपने हानिकारक म्यूटेशंस के बारे में कभी बात की? डायनासोर में नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा पर उगाए, अब इसके बाद में अब वो क्यों उगाए इसका पूरा आप बॉडी स्ट्रक्चरल टिश्यूज के लेवल से आप अपनी एक वीडियो बना करके उत्तर दीजिए, और उस उत्तर में ही आपका सारा का सारा जो खेल है वो सभी हमारे दर्शक समझ जाएंगे। जिस तरीके से आपने बहुत सारे फैक्टर्स को गायब कर दिया, खा गए, और सीधा ये निर्णय दे दिया कि ये जो जीव है ये उड़ सकता है बाय द कॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन, ये तो पूरी तरीके से एक असंभव बात है, जिसको कि आप एक लॉजिकल या साइंटिफिक थ्योरी बोल रहे हैं। फॉसिल्स को देख करके बहुत सारी कल्पनाएं की हैं, लेकिन इतिहास में जो दूसरे पक्ष की जो बातें थी, जो इनके अपोज में निकल रही थी, इन लोगों ने उस सारी चीज़ों पर मिट्टी डाली है, जिसको कि हम अपने फॉसिल्स वाली वीडियो में विथ प्रूफ हम बताएंगे। तो आपको सर्वप्रथम ये समझ लेना चाहिए कि ये जो भी इन लोगों ने कल्पनाएं की है उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने और तर्क के आधार पे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। डार्विन ने एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में जो इवोल्यूशन होती है उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की उसने कल्पनाएं की हैं वो बहुत अनेकांतिक है, और वो उसी के सिद्धांत से परस्पर विरोधी निकलती है, और उसके काल में बहुत सारी शोध न होने के कारण उसकी जो कल्पना है उसको परम प्रमाण मान लेना ये भी एक अंधभक्ति है। जब आपको पता है कि बाद के काल में बहुत सारे शोध, नई नई शोध हुए हैं, तो आपको अपनी पूर्व की जो हट धर्मिता है उसको तो अब तक त्याग देना चाहिए था। लेकिन अर्पित ने सवालों के जवाब न दे करके सिर्फ इस बात से घुमाया है कि आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आप लोगों की क्या थ्योरी है वो कौन बताएगा। अब सुनिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से हम उन तमाम नेचुरल फिनोमेना के वास्तविक कारणों को समझ सके जो कि तब तक हमारे पूर्वजों के लिए महज एक पहेली थी। आधुनिक विज्ञान के आने से पहले हमारे पूर्वजों की जो भी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादातर ट्रायल एंड एरर बेस्ड थी, यानी किसी ने कोई नई चीज़ ट्राई की, वो आइडिया सक्सेस हुआ और वो फिर आगे की पीढ़ियों में फैल गया, समय समय पर उसमें थोड़े बहुत सुधार हो गए, और यही कारण है कि एंशियंट टाइम में प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। यानी अगर आप अकबर के समय से 200 या 500 साल पीछे भी चले जाएं तो भी टेक्नोलॉजी में कोई खास फर्क नहीं दिखता। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पूर्व में टेक्नोलॉजी आदि नहीं थी, सब के सब विज्ञान शून्य थे। यहाँ मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप इसके कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न जरूर रख के आइए, इससे पूछिए कि हमारे मंदिरों की जो इतनी शार्प कटिंग और इतनी अच्छी वेल डेवलप्ड जो शिल्पकला है वो बड़े बड़े मशीन्स के बिना कैसे बनाई गई, इतनी अद्भुत शिल्पकला, और जिस स्टोन कटिंग, लुब्रिकेशन आदि को करने में आज भी कोई ऐसी गैजेट अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो इन सारे मंदिरों के जो आर्किटेक्चर है इसके पीछे का कारण आप बताइए। कई साउथ के मंदिरों में पत्थर पिघलाने के भी निशान मिले हैं। अब आपके पास ऐसा तो कोई भी टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल नहीं होगा कि पत्थर को आप मेल्ट कर सकें, पत्थर को आप बेंड कर सकें, और बिना क्रैक्स के आप इतनी सारी शेप्स उसकी बना सके, ये आज टेक्नोलॉजी में अवेलेबल नहीं है। और इतनी सारी शेप्स में उसको परिवर्तित करके इतनी अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर बना दे, ये तो आज का विज्ञान भी देखकर हैरान है कि उस काल में किस स्तर की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ हम कोई स्पेशल वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, यदि आपको जानना है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जैसा कि फिलॉसफी में होता है, यहाँ पर चीजों की व्याख्या महज बौद्धिक तर्क वितर्क से की जाती है। यहाँ पर प्रायोगिक निष्कर्षों यानी एक्सपेरिमेंट्स का उतना महत्व नहीं होता, लेकिन
15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसा हुआ जिसने प्राचीन अवधारणाओं को बदल कर रख दिया। इस दौर में कॉपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर जैसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्राचीन ज्ञान को चुनौती दी। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि न्यूटन, केपलर ने प्राचीन विज्ञान को चुनौती दी और नया विज्ञान को सामने रखा। इस पर कोई इनसे पूछे जरा कि भैया कौन से दुनिया में रहते हो, भाई कुछ पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो, कुछ जानकारी वनकारी रखते हो या नहीं। तो देखिए दर्शकों, इन्होंने कुछ जानकारी वनकारी इकट्ठा नहीं की है, ये केवल झूठ फैला रहे हैं। आपको अभी स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये विश्व प्रसिद्ध मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की लेख हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि न्यूटन ने जो भी प्रिंसिपल्स की खोज की है वो सब के सब इंडिया में उससे पूर्व ही खोज हो चुकी थी और वहीं से ये लोग अपना ले गए। तो ये जो ये दावा कर रहा है कि न्यूटन, केपलर ने उनके विज्ञान को चुनौती दी और नया प्रिंसिपल रखा, उसमें कितनी सत्यता है वो आपको मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और क्रेस्ट ऑफ द पिकॉक ग्रंथ में प्राप्त हो जाएगी। तो इनका ये भी दावा फर्जी सिद्ध हुआ। और हाँ, आज से लगभग 1800 वर्ष पहले मिली बाक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, जिससे कि आज की मॉडर्न नंबर्स की जो लिपि है वो ही विकृत होकर के बनी है, या कहें टूट फूट कर जो बनी है, इससे ये सिद्ध होता है कि सारा मैथ्स हमारे ओर से सब लोगों में गया है। जिस समय विदेशों में, पाश्चात्यों में गणित आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था, उस समय भारत सारी दुनिया को अपने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के द्वारा समस्त विद्याओं का दान करता था। यदि किसी को वैदिक विज्ञान पर पूरी की पूरी रिसर्च, पूर्ण वीडियो चाहिए, तो वीडियो के एंड होते ही कमेंट बॉक्स में या पिन कमेंट में हम अपनी पूर्व की वीडियो, क्या कॉपी पेस्ट करने से पाश्चात्य विज्ञान वैदिक विज्ञान की बराबरी कर सकता है, यह वीडियो हम अपनी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन आदि में दे देंगे, वहां पर आप पूर्ण देख लीजिएगा। उस वीडियो को देख करके आपको सारी सत्य समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो अर्पित द्विवेदी का ये कहना है कि ये जो हमारा वैदिक विज्ञान है वो सीरो साइंस है, वो ऑब्जर्वेशनल नहीं है और वो सारी की सारी कपोल कल्पना है। एक पल के लिए इनकी बात को भी हम मान कर देखते हैं। आप एक बात बताइए कि हमारे ऋषि महर्षि जो तर्क भी करते थे, या तर्क वितर्क जो भी आप इसको कपोल कल्पना मानते हैं, वो भी जो करते थे वो इतनी सूक्ष्म और परफेक्ट बैठ रही है, और जिसको कि प्रमाण अब विदेशों में भी माना गया है, और विज्ञान हमारे कणाद मुनि इत्यादि जितने भी विद्वान हुए हैं, और आज का जो मॉडर्न साइंस है वो भी हमारे कणाद मुनि आर्य विद्वानों का जो रिसर्च है उसको फॉलो कर रहा है, और आप उसको कपोल कल्पना या सिर्फ तर्क वितर्क मान रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि आप इतना तो स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे ऋषियों के तर्क भी ऐसे होते थे जिसको कि आज लोग प्रमाणिक मान रहे हैं। आप लोगों के, बौद्ध लोगों के तर्क प्रमाण भी उस लेवल के नहीं थे जिसको कि विज्ञान ने थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दिया हो, और आपके बौद्ध ग्रंथों में इतना पाखंड भरा है कि उसको विज्ञान भी स्वीकार करने के लिए 10 बार सोचता है और सिरे से रिजेक्ट कर देता है। और भीमटो को छोड़ के कोई तो स्वीकार करता है नहीं। हमारे न्याय दर्शन में लिखा है कि प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाण से जिस अर्थ का परीक्षण किया जाता है उसको न्याय कहते हैं। अब बिना प्रमाण के शास्त्रों में कोई बात नहीं लिखी गई है। ऋषियों की शैली ऐसी होती है कि वो सीधे मूल मूल सूत्र बताते हैं, ज्यादा बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखते। जितने भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको वे ग्रंथों में नहीं लिखते थे, प्रत्युत शिष्यों को प्रैक्टिकली समझा दिया करते थे। अब कोई थोड़ी भी बुद्धि वाला होगा तो उसको इतना तो समझ में आएगा कि बिना टेक्नोलॉजी के कोई कैसे परमाणु विज्ञान दे सकता है। क्या केवल तर्क वितर्क से ही ये सारी चीज़ आ जाती है? और यदि तर्क वितर्क से ही ये सारी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि मानवों को ये सारा ज्ञान तर्क वितर्क से ही प्राप्त हो गया, कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार पहले नहीं हुआ था, तो बताइए आपके पाश्चात्य सभ्यता में ये सारा ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि केवल भारत सारा ज्ञान विज्ञान विश्व में फैला? इस पर क्या उत्तर दोगे? आप दावा कर रहे हैं कि सनातन धर्म में कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं होती थी, या प्राचीन काल में एंशंट इंडिया में कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं हुई थी। भाई, आपने थोड़ा भी आयुर्वेद ग्रंथ पढ़ा है क्या? महर्षि सुश्रुत, जिन्हें आज फादर ऑफ सर्जरी से समस्त विश्व जानता है, क्या आपको ये भी नहीं पता था उनके सर्जरी में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है? आर्यभट्ट के मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी इत्यादि में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, क्या आपको वो भी नहीं पता है? क्या आपको शुल्ब सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य सारे के सारे वैदिक टेक्स्ट जिसमें कि ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, जिसको पूरा विश्व
एक सम्मानजनक दृष्टि से देखता है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता इत्यादि में एकदम सूक्ष्म बॉडी पार्ट्स की कर्म कैसे होते हैं, उनकी गुण क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके दोष क्या है, कौन कौन से रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और उनका प्रिवेंशन क्या है, क्योर क्या है, ये सारी बातें बिना ऑब्जर्वेशन की हो गई। और प्रैक्टिकलिटी की अगर बात की जाए तो आपको इतना भी नहीं ज्ञात कि राइनोप्लास्टी और प्लास्टिक सर्जरी जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को सबसे पहले करने वाले अगर कोई व्यक्ति जिसको कि पूरे विश्व में जाना जाता है वो महर्षि सुश्रुत है। आप लोगों का भारत विरोधी एजेंडा स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, मतलब हमारे तुक्के भी इतने प्रमाणिक थे, जिसको कि आपका विज्ञान आज जाकर के खोज पा रहा है उसको तुक्के भी मारने नहीं आया, तो ये सारी आपकी झूठे बात यहाँ पर पकड़ा जाती है। एंटी ग्रेविटी आदि जितनी भी पाश्चात्य बुक्स हैं उसमें पाश्चात्यों ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत के पास प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान था, उसे ही पढ़ लेते तो आपकी भ्रांति दूर हो जाती। महर्षि सुश्रुत ने ये कभी नहीं कहा कि ये सारे सूत्र और ये सारे ऑपरेशन से विधियाँ ये मैंने स्वयं रचना किया है। उन्होंने सदा कहा कि ये हमने प्राचीन महर्षि धन्वंतरी इत्यादि अनेक जो ऋषि हुए हैं जिन्होंने वेदों से सारा ज्ञान विज्ञान सीखा, जिन्होंने गुरु परंपरा से आज तक विज्ञान को परंपरा दर परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वहन करते हुए आज तक ले चले आए, उसी ज्ञान को मैंने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा है और यही ज्ञान हर एक ऋषि और महर्षि के ग्रंथों में प्राप्त होता है। हमारा जो ज्ञान है वो उस व्यक्ति के ही काल में उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे भी प्राचीन है। मुझे लगता है ये आरपी द्विवेदी जी नास्तिक नहीं, नास्तिक के वेश में एक बौद्ध है, क्योंकि इन्होंने कोई भी बौद्धों के विरुद्ध या उनके पाखंड या उनके जो फर्जी इतिहास है जिसका कि प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता और ना ही वो कोई तार्किक या मानने योग्य है, उन सारे विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, इनको केवल प्रॉब्लम है तो वैदिकों से, तो ये एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं और इनकी आस्था सबको स्पष्ट दिख रही है। इनकी एक एक वीडियो में इतनी त्रुटियां हैं, इतनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसका कि खंडन करते करते इतनी लंबी वीडियो बन सकती है, फिर भी हम करना नहीं चाहते। हम बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे समुद्र का जो जल है उसको अंजुली में लेकर के थोड़ा सा स्वाद चखने से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि उसके अंदर का जो पानी है वो नमकीन है, पूरे समुद्र के पानी को पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे इनकी प्रथम वीडियोस को ही हम देख लें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इनकी सारी वीडियोस में कितनी फेक और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब देखिए, एंशिएंट इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, तो इस पर हम पहले तो महाभारत का एक श्लोक दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का वर्णन प्राप्त है और ये देखिए इस मंदिर पर भी ये चित्रांकन किया गया है। इससे सिद्ध है कि महाभारत का ये श्लोक बहुत प्राचीन है तथा प्रामाणिक है। इसके आगे हम आपको एक वेद मंत्र दिखा रहे हैं। यहाँ पर शतग्नि, बंदूक, तोप इत्यादि अनेक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का वर्णन प्राप्त होता है। इसी को आप देखिए, अजात शत्रु ने जो बड़े बड़े युद्ध के लिए यंत्र बनाए थे उसको आप चित्र से देखिए। अजातशत्रु का काल लगभग बुद्ध के समकालीन था और उस समय भारत में ऐसा ज्ञान विज्ञान और ऐसी वॉरफेयर की कला उपलब्ध थी जिसे कि बाद में बाहुबली आदि मूवियों में प्रदर्शित किया गया। किसी को ये देखना है कि मंदिर पर कैसी आर्किटेक्चर थी, कैसा ज्ञान, कैसी शिल्प कला थी, तो उसके लिए हम प्रवीण मोहन की एक वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे प्राचीन वैदिक लोग किस एडवांस टेक्नोलॉजी से आर्किटेक्चर का काम करते थे। हमारे प्राचीन आर्य लोग माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन बहुत पहले कर चुके थे, जिसको कि ये लोग आज जाकर के बना पाए। ये देखिए, आदि शंकराचार्य का ग्रंथ अपरोक्षानुभूति, इसकी श्लोक संख्या 80 और 81 में देखिए, यहाँ पर माइक्रोस्कोप का स्पष्ट रूप से वर्णन प्राप्त होता है और दूसरे श्लोक में स्पष्ट रूप से ग्लास के फर्श का वर्णन आया है, अर्थात प्राचीन आर्य लोग ग्लासेस के फर्श भी बनाया करते थे। यहाँ पे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ग्लास की इन्वेंशन भी भारत में बहुत पूर्व ही हो चुकी थी। जैसा कि आपने वेद मंत्र में शतग्नि, तोप इत्यादि देखा है, अब महाभारत के इस प्रमाण को देखिए, यहाँ युद्ध में शतग्नि, गन इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। अब आप मानेंगे नहीं कि ये गन ही है वास्तव में, तो
इसके लिए हमने मंदिरों की कार्विंग भी आज आपको उपलब्ध करवाई है। ये देखिए, अब ये सिद्ध हो चुका है कि जितना भी ज्ञान विज्ञान पाश्चात्यों ने बनाया है वो सारा का सारा भारत से गया था। आपको यदि अस्त्र शस्त्रों पर और भी जानकारी इकट्ठा करनी हो तो इसके लिए भी हम एक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये इसकी वीडियो है, क्या प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले नवग्रहों को खोज लिया था। इसमें इसने क्या कहा है, इसमें ये कह रहा है कि सारे के सारे जो हमारे आरे हुए हैं वो नेक्ड आइस से सारा का सारा जो ग्रहों की गति है वो बता दिए। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास प्राचीन आर्यों के पास कोई टेलीस्कोप आदि यंत्र नहीं था। ये इसकी कितनी बड़ी भ्रांति है, ये कितना इनकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये इसी बात से साबित होती है कि इनको इतना ही नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कितना अंतर है। चलिए सर्वप्रथम तो हम इनके भेद बता देते हैं। लीलावती आदि ग्रंथ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है। बीजगणित अर्थात अलजेब्रा, ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री, अंकगणित अर्थात न्यूमेरिकल्स, गोलाध्याय अर्थात स्टडी ऑफ स्पीयर्स, ग्रह गणित अर्थात एस्ट्रोनॉमी, और ये जो एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं वो होती है फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, मंगल शनि आदि जो पाखंड है जो वेदों से जिसका कोई लेना देना नहीं है, ये उसको एस्ट्रोनॉमी से जोड़ करके कह रहे हैं। अर्पित जी का दूसरा दावा यह है कि हमारे प्राचीन आर्यों के पास टेलीस्कोप आदि का ज्ञान नहीं था। तो इसमें देखिए, 12th century में बनी कर्नाटक की इस मंदिर में स्पष्ट रूप से टेलीस्कोप को कार्विंग किया गया है। ये प्रमाण भी नास्तिकों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये देखिए, रामायण का प्रमाण है, किष्किंधा कांड का ये प्रकरण है, इसमें स्पष्ट रूप से दूरबीन या टेलीस्कोप का वर्णन आया है। अब ये प्रमाण देखिए, ये सिद्धांत शिरोमणि का श्लोक है, ग्रह गणिते त्रिप्रश्नाधिकार का ये श्लोक है, इसमें स्पष्ट रूप से टेलीस्कोप का वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें बैम्बू का यूज करके ग्रहों को देखने का स्पष्ट रूप से प्रमाण है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो हमारे दिल्ली वाराणसी आदि जो जंतर मंतर है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज थे, वहाँ बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप रखे गए होंगे, और यहाँ पर ये टेलीस्कोप से ग्रहों की गति देखने के लिए वर्णन प्राप्त होता है, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। और यही नहीं, हमारे पास ऐसे यंत्र भी थे कि पानी को भी भेद करके अंदर की वस्तु को देख सकते थे, जैसा कि उपकरण आजकल सबमरीन इत्यादि में लगा होता है। तो जो ये झूठ फैला रहे हैं उनके ऊपर ये प्रमाण बहुत भारी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और ये यंत्रों से ग्रहों की ऑब्जर्वेशन की विधि वेदों में भी आई है। ऋग्वेद के पंचम मंडल के सूक्त 40 में इसका वर्णन हमें मिल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जितने भी आविष्कार टेलीस्कोप इत्यादि हुए हैं वो सारे के सारे वेद से हमें सीखने को मिले, और आर्यों से ही सारा ज्ञान विज्ञान विदेशों में गया है, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए आज से यदि आपको कोई कहे कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का प्रथम आविष्कार किया था तो उसे ये प्रमाण अवश्य आप दिखाएं। अरे गैलीलियो तो कभी पैदा भी नहीं हुआ था, उससे बहुत पूर्व सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी ने यह टेलीस्कोप का वर्णन कर दिया है। अर्थात ये सारे के सारे यंत्र हमारे भारत में प्रयोग किए जाते थे। क्लॉक्स की भी आविष्कार सर्वप्रथम भारत में हुई थी, जिसका कि अनेक मंदिरों में प्रमाण भी उपलब्ध होता है, और टाइम मेजरिंग हमारे समस्त वैदिक ग्रंथों ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन होने से आर्य लोग उसमें भी सबसे प्राचीन सिद्ध होते हैं। अभी मैं शास्त्रों से ज्ञान विज्ञान के कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। महाभारत के इस श्लोक में ऑटोमेटिक मोटर बोट का वर्णन हमें मिलता है, और वहीं महाभारत आदि में विमान आदि का भी प्रमाण हमें स्पष्ट रूप से देखने मिलता है। यानी विमान की खोज होने से बहुत पूर्व महाभारत में अत्यंत एडवांस टेक्नोलॉजी की साक्ष्य हमें पढ़ने को मिलती है, जिसको कि किसी भी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग कहेंगे कि महाभारत तो काल्पनिक ग्रंथ है, तो उनको यही उत्तर है कि देखो, आर्कियोलॉजी इत्यादि सबसे महाभारत को एकदम वास्तविक और सच्चा इतिहास घोषित किया जा चुका है, तो आप ये मिथ्या अवधारणा बिल्कुल भी अब न रखें। अब देखिए, ऋग्वेद के इस मंत्र में मनुष्यों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने की आज्ञा ईश्वर ने हमें दी है, आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं।
अर्थात ये सिद्ध होता है कि आर्यों ने विद्युत आदि से यंत्र निर्माण थॉमस एडिसन से बहुत पूर्व ही शुरू कर दिया था। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए, जैसे धनुर्यंत्र, शंकु यंत्र, सलील यंत्र, अर्क यंत्र, जिसका कि आज मॉडर्न साइंस में भी बहुत यूज देखा जा रहा है। ये भी प्राचीन काल से हमारे आर्यों के पास विद्यमान थे। यदि आप बता रहे हैं कि प्राचीन काल में आर्यों को ये सारा विज्ञान नहीं पता था, तो ये सोचिए कि आर्यों को ये कल्पना किस प्रकार आई होगी। और अगर अब भी आप इसको एक कल्पना मान रहे हैं, तो भी आपको ये मानना पड़ेगा कि थ्योरी या कहें ये कल्पना भी बहुत बड़ी वैज्ञानिक लेवल की कल्पना है और एकदम सटीक है, जिसको कि भविष्य में लोगों ने बना लिया है। तो ऐसे बेतुके तर्क भी आपके यहाँ पर काम नहीं करेंगे। राजा भोज के समरांगन सूत्र में स्पष्ट रूप से रोबोट का प्रमाण आया है, अर्थात आर्य लोगों को रोबोटिक्स का भी नॉलेज बहुत प्राचीन काल से था। देखिए प्रमाण, अब मैं इसको पढ़कर सुनाऊं, इससे अच्छा है कि आप स्वयं इसको पढ़ें ताकि आपकी पाश्चात्य भक्ति से कुछ बुद्धि खुले। यहाँ 3 पेजेस हम प्रमाण दे रहे हैं। तो प्राचीन काल में आर्य लोग रोबोटिक्स के द्वारा भी अपने अनेक कार्य सिद्ध करते थे, ये सिद्ध हुआ। अब हम बताते हैं इतने ज्ञान विज्ञान से भरे हमारे आर्य लोग वेद के विषय में क्या कहते हैं। यहाँ सूर्य सिद्धांत का आपके स्क्रीन पर एक श्लोक प्रस्तुत है, जिसमें कि वेदों की और ईश्वर की बहुत महिमा गान की है। आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, यहाँ ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सूक्ष्म और सर्वव्यापक विशेषण इत्यादि दिया गया है। और तो और, हमारे प्राचीन आर्य मिसाइल्स के भी टेक्नोलॉजी पूर्णतः परिचित थे। देखिए इस चित्र को, क्या अब भी आप ये कहेंगे कि प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी? प्राचीन लोग खाली बेवकूफ थे, उन्हें साइंस का कुछ नॉलेज नहीं था? इसके साथ ही उस दौर में दैवीय ज्ञान यानी कोई ऐसी नॉलेज जो कि कथित तौर पर किसी सुपरनेचुरल सोर्स से आई है, जैसे ईश्वर, फरिश्ते या कुछ मामलों में जैसे इल्हाम, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि सुपरनेचुरल चीजों की जरूरत नहीं है। इस पर फाइनमैन अपने बुक में क्या लिखते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट फाइनमैन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन फिजिक्स में लिखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर वो स्टेटमेंट शो हो रहा होगा, इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। इसका सरल आशय यह है कि संसार निश्चित नियमों से बना व चल रहा है, वे नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और वही उनको लागू करके संसार को बनाता हुआ चलाता है। वैज्ञानिक उन असंख्य नियमों में से कुछ को जान भर सकते हैं, उन्हें बना व लागू नहीं कर सकते। यहाँ फाइनमैन ने एक भारी भूल अवश्य कर दी, जो गॉड के स्थान पर गॉड्स लिख दिया। यदि नियम बनाने वाले अनेक गॉड्स होते तो उन नियमों में सामंजस्य नहीं बैठेगा। सभी गॉड्स को समन्वित व नियंत्रित करने वाला कोई सुप्रीम गॉड अर्थात गॉड की सत्ता अवश्य मान्य होगी और मूलभूत भौतिकी के नियम बनाने वाला एक ही गॉड होगा, यही यहाँ पर समझना चाहिए। तो हम भी ये समझाना चाहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे वे सब भी आस्तिक थे, उन सब लोगों ने भी गॉड की एग्जिस्टेंस स्वीकार की है। वे भी सोचते थे कि बिना क्रिएटर के क्रिएशन नहीं हो सकता, तो हमें उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और साइंस के नाम पर झूठी नास्तिकता जो फैलाते हैं उनके कुतर्कों पर ये प्रमाण बहुत भारी तमाचा है। और जैसा कि आपने हमारी वीडियो के शुरू में देखा है कि मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में गॉड की कितनी ज़रूरत है, ये तो आप देख ही चुके हैं। इससे अर्पित जी के कथन में कितनी सत्यता है वो प्रदर्शित हो ही चुकी है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर ऑडियो में। अब शूडो साइंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि साइंस और शूडो साइंस का जो फर्क है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, पहला जो फर्क है वो है केयरफुल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का। साइंस में जैसा कि आपने देखा कि किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए केयरफुल ऑब्जर्वेशन और वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स मस्ट है, और जिनके दौरान यदि कोई फ्लॉ निकल कर आता है तो उस हाइपोथेसिस को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि शूडो साइंस में ये पूरा प्रोसेस उल्टा चलता है। साइंस में जहाँ कंक्लूजन सबसे लास्ट में निकल कर आता है, वहीं शूडो साइंस की शुरुआत ही कंक्लूजन से होती है, जो कि उनके पास पहले से ही होता है। और यहाँ पर जितनी भी कवायद की जाती है वो सिर्फ उस कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए। यहाँ ये बोल रहे हैं कि शूडो साइंस का क्या अर्थ है, ठीक है। अब मैं आपको स्टीफन हॉकिंग की एक बुक आपको दिखाता हूँ।
अब यहाँ पढ़िए स्टीफन हॉकिंग ने क्या लिखा है। यहाँ प्रश्न ये उठता है, जब ऑक्सीजन नहीं था तो समुद्र कैसे हो गया? क्योंकि समुद्र के अंदर पानी होता है और पानी का सूत्र है H2O। लेकिन हॉकिंग के अनुसार तो पहले ऑक्सीजन ही नहीं था, ऑक्सीजन तो बाद में बना, और जो जीव उस समय उपलब्ध थे उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को खाकर ऑक्सीजन कैसे रिलीज कर दिया? क्योंकि हॉकिंग के अनुसार तो ऑक्सीजन किसी भी रूप में नहीं था। ये है इन लोगों की सबसे बड़ी मार मूर्खता। अब ये लोग कहते हैं, अब आप अर्पित द्विवेदी जी से जरा पूछिएगा कि स्यूडो साइंस किसे कहा जाता है और कौन फैला रहा है स्यूडो साइंस, तथा क्या झूठ का प्रचार करने वाले और लोगों को मूर्ख बनाने वाले भी वैज्ञानिक होते हैं? ये सारे प्रश्न अर्पित द्विवेदी को जरूर पूछना। ये लोग वामपंथी दृष्टि से देखना चाहते हैं। साइंस इज एवर डायनामिक, वो बदलते रहता है, कोई थियोरी परफेक्ट नहीं है। क्या अर्पित जी आप ये कहना चाह रहे हैं? है ना, तो मैं अंत में यही कहूँगा कि जिनके कारण विज्ञान टिका है उसको ये लोग स्यूडो साइंस बता रहे हैं, जिसके साक्ष्य और प्रमाण समस्त आर्कियोलॉजी इत्यादि से सिद्ध हो रहे हैं, फिर भी ये लोग उसको कपोल कल्पित कह रहे हैं। ये लोगों को इतिहास का कुछ नॉलेज तो होता नहीं है और केवल और केवल वैदिक लोगों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा रचने के लिए ये लोग ऐसे झूठा प्रचार करते रहते हैं, और जब इनको प्रमाण दिखाया जाता है इनके मुख पर जिप लग जाता है। अब सुनिए अंत में ये क्या कह रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक न्यूट्रल, जो उनका चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है। क्या बोला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रल चार्ज होता है? किस पीपल यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो भाई? मैं बहुत शॉक हुई है सुनकर कि अर्पित द्विवेदी जी को सातवीं की बुक की भी नॉलेज नहीं है। इनका जो गुरु है साइंस जर्नी, वो कहता है पाई कांस्टेंट नहीं है, पाई नियत नहीं है। ये लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के कैसे हो सकते हैं? ये लोग दूसरों को आस्था से मुक्त करवाने चलते हैं और स्वयं इतनी सारी पाखंड फैला रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि इनकी सारी की सारी वीडियो में भी यही सारी मूर्खता भरी पड़ी है। ये लोग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे करके आपको एक अंधी आस्था की ओर ढकेल रहे हैं, जिसको कि ये आस्था मुक्ति नाम से प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है आज की वीडियो में पर्याप्त प्रसादी दी जा चुकी है, तो आगे से वेद आदि के विरुद्ध झूठा दुष्प्रचार यदि करने का सपने में भी सोचे तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर सुन लेना। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को आप प्राप्त करने के लिए और बहुत सारी वेद आदि शास्त्रों की जानकारियों से अल्प समय में परिचित होने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आर्यावर्त रीजनरेटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।